नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। खजुरी बाईपास पर संत रविदास मंदिर निर्माण में बाधा पहुंचाने वाले पर हो कार्रवाई, जैसा के बताया गया। समिति के अध्यक्ष कैलाश सूर्यवंशी जी ने खजुरी बाईपास पर रविदास जी का चबूतरा बना हुआ है, जो सालों से बना हुआ और हर साल जहां पर कार्यक्रम होता है, चबूतरे में बरसात में पानी भर जाने के कारण समिति के कुछ लोगों ने निर्णय लिया कि चबूतरे को ऊंचा कर पक्का किया जाए। इस कार्य को करते समय पड़ोस में जिनकी जमीन है, जो कि पूर्व में शमशान घाट था, उसकी फर्जी रजिस्ट्री कराकर शमशान को खत्म करने का काम किया। सुबोध पंचोली जी ने तहसीलदार गोविंदपुरा को शिकायत की है कि यह समिति अवैध निर्माण कर रही है। ऐसा कैलाश सूर्यवंशी जी ने बताया। समिति के उपाध्यक्ष लाल सिंह अहिरवार जी ने बताया कि हमारे पुरखे जहां पर हमेशा से पूजा पाठ करते थे, और इस देखते हुए हम लोग भी हर साल जहां पर गुरु जी की जयंती मनाने का काम करते हैं, वह पड़ोस में जिनकी भूमि बता रहे हैं। सुबोध पंचोली ने हमारी शिकायत की, यह गलत है, समाज का काम है, इसको रोकना नहीं चाहिए। माधव सिंह अहिरवार प्रदेश अध्यक्ष जी, अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन मध्य प्रदेश ने निर्माण कार्य स्थल पर आकर समाज के लोगों से चर्चा की, और समाज के लोगों ने उन्हें बताया कि हमारा निर्माण को रोकने के लिए प्रशासन को आवेदन दिया है। माधव सिंह अहिरवार जी निरीक्षण कर पूरी जानकारी लेने के बाद SDM एवं पटवारी गोविंदपुर से बात कर दोनों अधिकारियों ने कहा है कि हम किसी काम में बदल नहीं डाल रहा है, मिला है कि हम किसी काम को नहीं रोक रहे हैं। हमारे पास सुबोध पंचोली में शिकायत की है, इस कारण हम लोगों को कदम उठाना पड़ रहा है। माधव सिंह अहिरवार जी ने बताया कि भारत के महान संत रविदास जी महाराज, जिनके आदर्शों पर चलकर भारत देश आज ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, आज उन्हीं के छोटे से चबूतरे का निर्माण को लेकर आपत्ति लगाना गलत है। अगर कार्य को रोका गया तो आंदोलन किया जाएगा। मैं वर्तमान में अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जैसा कि हमारे साथियों ने बताया कि जगह पर खजुरी बाईपास पे जो धार्मिक स्थल है, यहाँ पुरखों के जमाने से हमारा धार्मिक स्थल है, इन्होंने बताया यहाँ पे कुछ निर्माण कार्य, नया निर्माण कार्य ये लोग जो करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें विघन डालने का काम क्षेत्र में पड़ोस में एक जिनके नाम बता रहे हैं सुबोध पंचोली, उनके द्वारा SDM जी को एक आवेदन दिया गया कि ये लोग गलत निर्माण कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ आके देखा कि ये तो पुरानी जगह है, मैं 15-20 साल से मैं भी आ रहा हूँ, या ऐसा कोई नया कब्जा नहीं हो रहा है, या पुरानी जगह पुरखों की जगह है, यहाँ पर हमेशा से हमारे पुरखे पंचायत लगाते थे, यहाँ बैठते थे, और गुरु जी के यहाँ पर हर साल कार्यक्रम होता है, और क्षेत्रीय प्रतिनिधि भी यहाँ पर कार्यक्रम में आते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं इतने कहना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पर कार्य हो रहा है, जो भी साथी आपत्ति लगा रहे हैं, कृपया उनसे निवेदन है, अगर आपके पास जहाँ के कोई कागज़ हैं, रजिस्टरी है, पेपर है, तो वह यहाँ लेकर आएँ, और अंततः हमारे काम में जो है बाधा डालने की कोशिश ना करें। अगर इस काम को आप लोगों ने हमारे काम को नहीं करने दिया, तो हम बहुत जल्दी यहाँ पर एक सामाजिक रूप से आंदोलन करने का प्रयास करेंगे, और शासन प्रशासन को इस मामले को तक पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे। और ये जो बगल में शमशान की भूमि या हमारे पुरखे बच्चे दफनाया करते थे, इस ज़मीन की सरकारी ज़मीन की कैसे रजिस्ट्री हो गई, क्या हो गई, इसके लिए भी हम आवेदन कर SDM साहब को देंगे और इस ज़मीन की जाँच करवाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम सबका आज का मीटिंग का प्रचार हो रहा है, आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। ग्राम खजूरी कला और यहाँ का उपाध्यक्ष हूँ समिति का, और हमारी ये पूर्वजों की ज़मीन है। आज से नहीं, हमारे पूर्वज जगह पे धार्मिक स्थल पे पुरानी कुल देवी भी है हमारी, उनका भी स्थान है, और भी हमारे गुरुजी का स्थान है। हमारे पूर्वज जो है हमेशा से इसको पूछते आ रहे हैं, और उसी चीज़ को हम पूछ रहे हैं। आज हम उनका एक जीवन उद्धार कर रहे हैं, जगह उसकी क्षतिग्रस्त पूछा जो है, उनका क्षतिग्रस्त होने के कारण जो है कि हम उसका नवीनीकरण कर रहे हैं। तो इसमें एक सुबोध पंचोली जो है उनको बड़ी दिक्कत हो रही है, और सुबोध पंचोली ने जो है शमशान घाट की जमीन को कब्जा करके, और किस प्रकार से उसने झूठी रजिस्ट्री अपनी बता रहा है, और यहाँ आके विघन डाल रहा है समाजों में, और जो है कि हम अपने आसानी से ही अपना काम कर रहे हैं, हम किसी अन्यथा शासन प्रशासन को दखल नहीं देना चाहते हैं जो कि वो हो, और शासन प्रशासन से कहना है, सबसे कहना है कि हमारे काम में दखल ना डाले, जो कि हमारे पूर्वजों की जमीन है और पूर्वजों की भूमि है। भाई हम किसी अन्यथा किसी की उसमें नहीं जा रहे हैं, अगर हम किसी के में नुकसान में जा रहे हों या किसी से हमको नुकसान हो रहा हो तो वो करे, इतने बड़ा गाँव है, सब है, उनको कोई आपत्ति नहीं है। एक जो विदेश से बाहर आके इसने फर्जी शमशान घाट को दबा के आज बच्चों को दफनाने की दिक्कत हो रही है, इसने ये कर रखा हुआ है यहाँ।
मैं नंदराम अहिरवार ग्राम खजुरी का रहने वाला हूँ और ये हमारा धार्मिक स्थल है और मैं समाज का अध्यक्ष हूँ यहाँ मंदिर का। और यहाँ समस्या ये है कि ये हमारा जो पूजा स्थल है ये बरसों से यहाँ काबिज है। हमारे पूर्वजों से लेके अभी तक हम पूजा अर्चना करते आ रहे हैं और यहाँ हमारा लगभग हर वर्ष यहाँ कार्यक्रम होता है और हमारे जो गुरु महाराज वो यहाँ आते हैं और हम वर्ष भर यहाँ कार्यक्रम करते रहते हैं। और अभी हम इस जो हमारा धार्मिक स्थल है वो क्षतिग्रस्त हो गया था, उसको हम थोड़ा सा नवीनीकरण दे रहे थे, उसको सुधार रहे थे। तो हमारे एक सुदेश क्या नाम उनका सुबोध पंचोली नाम का एक व्यक्ति है, वो इस पे बार बार विधायकों से फ़ोन लगवा कर आपत्ति लगवा रहा है और हमारे इस काम में बाधा पहुंचा रहा है। आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि शासन प्रशासन से कि हमारा ये पूर्वजों से हमारा धार्मिक स्थल है और यहाँ हम पूरा पूजा अर्चना कर रहे हैं तो हमें पूजा अर्चना करने की स्थान दिया जाए और इस पर किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। शमशान की भूमि का भी मामला सामने ये, आ रहा है। ये हमारा पूरे गांव का 2000 कम से कम 20,000 लोगों का ये यहाँ शमशान भूमि है और इस भूमि पर इन लोगों ने ना मालूम किस तरह से इसने राष्ट्रीय करवा ली और यहाँ लगभग लाखों की तादाद में बच्चों के कब्रिस्तान दफनाए हुए हैं। उस जगह पे इन लोगों ने रजिस्ट्री करवा के ये कब्जा करना चाह रहे हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए, इसकी भी जांच होना चाहिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।